तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक्सप्लेनेशन में, जो कि होने वाला है आई स्पिट ऑन योर ग्रेव 4 डेजा वू में। गाइज, मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा ज्वाइन बटन जो है वो एनेबल हो चुका है। आप उसे देख सकते हो, सब्सक्राइब बटन के साइड में आपको एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। तो गाइज, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो आप मेरे चैनल की मेम्बरशिप ले सकते हैं, और अगर आप उसे लेते हैं तो मैं आपको शाउट आउट दूंगा। दूसरा ये कि मैं आपने रिकमेंड की हुई कोई भी एक हॉरर मूवी आपको शाउट आउट देकर एक्सप्लेन करूंगा, और याद रहे वो मूवी ऑलरेडी एक्सप्लेन ना हो। अगर वो मूवी ऑलरेडी ही किसी और चैनल ने एक्सप्लेन की हुई है तो मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। सो मुझे आप यूनिक मूवी सजेस्ट करना। एक और बात आपको मिलेगी, वो है स्पेशल बैचेस, और आपके लिए मैं स्पेशल लाइव स्ट्रीम भी करूंगा स्पेशल मेंबर्स के लिए, जिसमें सिर्फ हम कुछ लोग मिलकर ही बात करेंगे। और आप बाकी की डिटेल्स के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। और जिसे वो नहीं लेना है उनके लिए भी कोई कंपल्शन नहीं है, और आप ज्यादा दिक्कत मत लो। और हमारे नॉर्मल वीडियोस भी तो चलते ही रहेंगे, पर जो मेंबरशिप ले सकता है वो प्लीज ले और हमारे मेंबर बने और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करे। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये मूवी आई स्पिट ऑन योर ग्रेव 1978 वाली मूवी जो है उसकी सीक्वल है। बट गाइज, जैसा कि आपको पता है, आई स्पिट ऑन योर ग्रेव 1978 एंड आई स्पिट ऑन योर ग्रेव 2010 मूवी दोनों भी मूवी सेम है, और 2010 वाली मूवी 1978 की रीमेक है। तो हम लोग इस पार्ट 4 मूवी को 1978 एंड 2010 मूवी की सीक्वल बोल सकते हैं। जैसा आपको याद होगा कि जेनिफर हिल्स ने पार्ट 1 में जॉनी स्टैनली, एंडी मैथ्यू एंड स्टॉर्च को मारा था, और यहाँ से अब डेजा वू की कहानी स्टार्ट होती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। मूवी की शुरुआत में अब हम कई साल बाद की कहानी देखते हैं, जहाँ जेनिफर हिल्स अब बूढ़ी हो चुकी है और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था क्रिस्टी, और वो एक सुपर मॉडल थी। दोस्तों, एक्चुअल में क्रिस्टी जॉनी की बेटी थी। पार्ट 1 में जो जॉनी और बाकियों ने जेनिफर के साथ किया था उसके चलते क्रिस्टी का जन्म हुआ था, और अब जेनिफर ने कई सालों बाद उसके साथ जो हुआ था उस पर एक बुक लिखी थी, और उस बुक का नाम था आई स्पिट ऑन योर ग्रेव्स। और जेनिफर और क्रिस्टी दोनों भी एक रेस्टोरेंट में मिलती हैं, जहाँ क्रिस्टी का कहना था कि वो अब मॉडलिंग लाइफ से तंग आ चुकी है, लोगों को ऑटोग्राफ्स देके और हर बार कैमरा के सामने पोज करके। अब उसे कुछ अलग करना था। फिर जेनिफर एंड क्रिस्टी दोनों भी रेस्टोरेंट के बाहर चलकर जा रहे थे और बातें कर रहे थे कि तभी हम दो लोगों को देखते हैं जो उनके पास आते हैं, और इन दोनों का नाम था केविन एंड स्कॉटी। और केविन जेनिफर को बोलता है कि आपने ये जो बुक लिखी है वो कमाल की है और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो वो जेनिफर को एक ऑटोग्राफ देने बोलता है, और जब जेनिफर ऑटोग्राफ देने जाती है तो स्कॉटी जेनिफर को पकड़ लेता है, एंड तब क्रिस्टी चिल्लाने लगती है। तो जेनिफर के साथ साथ क्रिस्टी को भी ये दोनों वैन में बिठा कर निकल पड़ते हैं। फिर हम बेकी नाम की एक औरत को देखते हैं उसी गांव में जहां शुरुआत में जेनिफर के साथ जुल्म हुआ था, और बेकी जॉनी की पत्नी थी जिसे जेनिफर ने मार दिया था। थोड़ी ही देर में केविन एंड स्कॉटी दोनों भी शहर से बाहर आकर बेकी को पिकअप करते हैं। अब जाहिर सी बात है, इन तीनों का मकसद था जॉनी स्टैनली एंड एंडी के मौत का बदला जेनिफर से लेना, पर क्रिस्टी एक आई विटनेस होने के कारण इन्हें मजबूरन क्रिस्टी को भी पकड़ कर लाना पड़ा। केविन जो है वो स्टैनली का भाई था और स्कॉटी एंडी का भाई। इन तीनों को सबसे ज्यादा चीड़ थी जेनिफर से, और थोड़ी ही देर में ये लोग एक जगह उतरते हैं जहां हम हरमन को देखते हैं जो मैथ्यू का पिता था। गाइज, भले ही ये 1978 मूवी की सीक्वल है, पर कहानी सेम होने के कारण एंड इमेजेस अवेलेबल ना होने के कारण मैं आई स्पिट ऑन योर ग्रेव 1 यानी कि 2010 मूवी के इमेजेस एज ए रेफरेंस यूज कर रहा हूँ, क्योंकि 1978 एंड 2000 वाली दोनों भी मूवीज में कैरेक्टर के नेम्स सेम है, बस बदला लेने के तरीके थोड़े से अलग थे, पर हम इसके इमेजेस यूज कर सकते हैं एज एन रेफरेंस। और आपको पता ही है कि पार्ट 1 में क्या क्या हुआ था, और हरमन भी ठीक मैथ्यू की तरह ही था, और वो भी हकला कर ही बात करता था। बेकी स्कॉटी को बोलती है कि क्रिस्टी को वापस न्यूयॉर्क सिटी छोड़कर आओ, और जिसे लाना है उसे लाने दो, पर आज जेनिफर नहीं बचेगी। तो क्रिस्टी को स्कॉटी ले जाता है, और फिर ये तीनों जेनिफर को एक गड्ढा खोदने बोलते हैं, और जेनिफर उसी फावड़े से इन तीनों को मारती है और फिर जंगल में भाग जाती है। और अब बूढ़ी होने के कारण वो इन तीनों को आसानी से मार नहीं सकती थी, सब लोग उसका पीछा करते हैं, और इन्होंने अपने साथ M16 एंड पिस्टल्स एंड शॉटगन्स रखी थी। दूसरी तरफ हम क्रिस्टी एंड स्कॉटी को देखते हैं, और स्कॉटी जो है वो क्रिस्टी के मुंह पर का टेप निकालता है। तब क्रिस्टी बोलती है कि उसे बाथरूम जाना है। स्कॉटी गाड़ी रोकता है और क्रिस्टी जंगल
जंगल में जाती है और स्कॉटी उसके पीछे पीछे जाता है। तब क्रिस्टी स्कॉटी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने अंडरगारमेंट्स उसकी तरफ फेंकती है, और जब स्कॉटी का ध्यान उसकी तरफ जाता है तो मौका देखकर क्रिस्टी उसके सर पे एक बड़े लकड़े को मारकर स्कॉटी की वैन लेकर भाग जाती है। स्कॉटी उसके पीछे जाता है पर देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ जेनिफर जंगल से एक रास्ते के पास पहुंचती है और उसकी मुलाकात एक औरत से होती है, और ये भी जेनिफर को बोलती है कि वो मिलकर तुम्हें और तुम्हारे बेटी को पकड़ लेंगे। और उस औरत के साइकिल के पीछे भी जेनिफर ने लिखी हुई बुक पड़ी हुई थी। बेकी जेनिफर को ढूंढने निकल चुकी थी, और तब जेनिफर को रास्ते में एक बूढ़ा बूढ़ी दिखते हैं जो जेनिफर को लिफ्ट देते हैं और उसे एक ग्रेवयार्ड के पास छोड़ देते हैं, जहां पर जॉनी स्टैनली एंडी एंड मैथ्यू की कब्र थी और उसके ही साइड में एक चर्च भी था। उस ग्रेवयार्ड से बेकी को आता देख जेनिफर चर्च का दरवाजा खटखटाती है पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, और बेकी जेनिफर को आकर पकड़ लेती है। दूसरी तरफ क्रिस्टी जो है वो भी उस ग्रेवयार्ड के पास पहुंच चुकी थी, पर तब तक बेकी एक लेकर उसी चर्च के सामने जेनिफर को पकड़ लेती है, और जेनिफर बोलती है कि उसके साथ चाहे जो करो पर उसकी बेटी के साथ कुछ मत करना। और बेकी उस चाकू से जेनिफर के गले पर इतने बार वार करती है कि जेनिफर का सर धड़ से अलग हो जाता है। और गाइस, जेनिफर का अब अंत हो चुका था, जिसने कई दरिंदों को सजा दी थी कुछ साल पहले। बेकी अपना बदला लेकर बहुत खुश थी और वो जोर से चीखने चिल्लाने और हंसने लगती है, और बेकी वहां से चली जाती है। तभी वहां पर क्रिस्टी उस वैन को लेकर पहुंचती है और वो अपने मॉम को मरा देखकर बहुत रोती है और मदद के लिए चर्च का दरवाजा खटखटाती है। और एक इंसान उस चर्च में मौजूद था पर वो काफी बूढ़ा था और शायद ठीक से चल भी नहीं सकता था, और इसीलिए वो चर्च का दरवाजा नहीं खोलता। तब वहां बेकी के चमचे आते हैं और वो उस वैन में जेनिफर की लाश रख के चले जाते हैं, और बेकी जो है वो क्रिस्टी का पीछा करती है। तो क्रिस्टी जंगल में भाग जाती है और तब हरमन और केविन दोनों उसे पकड़ लेते हैं। हरमन क्रिस्टी के कपड़े फाड़ता है पर क्रिस्टी के प्लीज बोलने पर वो क्रिस्टी को छोड़ देता है, पर केविन जो है वो क्रिस्टी को मुंह पर एक मुक्का मारता है और उसे बेहोश करता है, और फिर वो उसका रेप भी करता है। और फिर जब उसे होश आता है तो उसे फटे हुए कपड़ों के साथ जाने बोलता है, पर तभी वहां बेकी और स्कॉटी आते हैं, और बेकी एक औरत होके भी अपने चमचों को क्रिस्टी को पकड़ने बोलती है और उसे जगह जगह छूने लगती है, पर हरमन जो है वो सबको मार के क्रिस्टी को उठाकर उसे जाने देता है। हरमन असल में बस जेनिफर से अपने बेटे मैथ्यू का बदला लेना चाहता था, ना कि ये सब करना चाहता था। क्रिस्टी जंगल में बिना कपड़ों के एक पेड़ के होल में छुप जाती है और काफी अंधेरा भी हो चुका था। ये लोग उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं पर क्रिस्टी कहीं पर भी नहीं मिलती। और फिर ये सब लोग अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स जॉनी और उनके ग्रेव के पास जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर जेनिफर की बॉडी को एक सफेद कपड़े में लपेट कर उस पर बीच लिख कर उसके कब्र पर थूका जाता है, और फिर उसे एक प्लाईवुड से ढक कर रख दिया जाता है। अगले दिन सुबह जेनिफर जंगल में बहते हुए पानी से अपना मुंह धोती है और पानी पीती है। फिर गांव में जाकर एक जगह से वो कपड़े चुरा कर भाग जाती है। फिर वो हरमन के फार्म के पास पहुंचती है और उसके घर में जाकर खाना खाती है। और जब हरमन घर में आता है तो क्रिस्टी एक चेयर पर आराम से बैठी हुई थी। हरमन अपने हाथ की पिस्टल फेंक कर बाहर से M16 लेने जाता है, और जब वो वापस आता है तो क्रिस्टी उसकी पिस्टल लेकर भाग चुकी थी। हरमन उसे ढूंढता है और क्रिस्टी उसके पीठ में एक हथियार घुसा देती है और जाने लगती है, पर हरमन उठकर उसके पीछे आता है तो ये उसे गोली मारकर उसकी ही कार में निकल पड़ती है अपने अगले शिकार की तरफ। वो थे ये तीनों। स्कॉटी एंड केविन क्रिस्टी को ढूंढने निकलते हैं और उन्हें जंगल में हरमन की कार दिखती है। तो स्कॉटी अपने वैन में म्यूजिक सुन रहा था और केविन उस कार की तरफ जाता है। तभी वहां पर क्रिस्टी आती है और केविन उसके साथ फिर से बदतमीजी करने लगता है। फिर ये एक कांच की फूटी हुई बोतल को केविन के पेनिस में घुसा देती है, और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर स्कॉटी वहां आता है और क्रिस्टी उसके भी पेनिस पर गोली मारती है, और फिर उसके पिछवाड़े में गन रखकर अब क्रिस्टी का आखिरी शिकार थी बेकी। बेकी जंगल में आती है और इन दोनों की लाशें पड़ी हुई देखती है। तब क्रिस्टी उसके पीछे आकर बेकी पर गन तान देती है, पर बेकी उससे बचकर क्रिस्टी को दबोच कर मारने ही वाली होती है कि तभी ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी वहां आते हैं, और ये वही थे जिन्होंने ही शुरुआत में जेनिफर को लिफ्ट दी थी उस ग्रेवयार्ड तक। और उन्हें देखकर बेकी उन्हें गालियां देने लगती है, और ये बूढ़ी औरत नशे में थी और गुस्से में वो बेकी को मारने लगती है, और उसका पति भी उसका साथ देकर बेकी को जख्मी करता है, और तब क्रिस्टी बेकी को मार देती है। अब क्रिस्टी का बदला पूरा हो चुका था। ये
दोनों फिर क्रिस्टी को भी लिफ्ट देते हैं और बोलते हैं कि हमें पता है कि तुम्हारे माँ की कब्र कहाँ है, और वो क्रिस्टी को उस जगह पर ले जाते हैं। और तब क्रिस्टी अपने माँ के सामने रोते हुए बोलती है कि जो उन लोगों ने आपके साथ किया उसका बदला मैंने ले लिया है, और केविन ने उसके साथ जो किया उसका भी बदला उसने ले लिया है, और अब वो तुम्हारे बॉडी को लेकर शहर जाएगी। पर तभी ये बूढ़ा बूढ़ी और ये एक औरत जो जेनिफर को शुरुआत में साइकिल पर मिली थी, वो क्रिस्टी को उसी ग्रेव में ढकेल देते हैं और फावड़े से बहुत मारते हैं और बेहोश कर देते हैं। इन्हें लगता है कि क्रिस्टी अब मर गई होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग कौन थे जिसने शुरुआत में तो बेकी को मारने में क्रिस्टी की मदद की और फिर बाद में क्रिस्टी को ही मारने लगे। तो गाइज, ये दोनों जॉनी के माँ बाप थे और बेकी इन दोनों की बहू थी, पर वो इन दोनों से अच्छा बर्ताव नहीं करती थी और इसीलिए उन्होंने बेकी को मारने में क्रिस्टी की मदद की। पर फिर भी इन दोनों के मन में अपने बेटे जॉनी के मरने का गम था और जेनिफर पर भी गुस्सा था, पर जेनिफर तो मर चुकी थी और वो अब अपना गुस्सा क्रिस्टी पर निकालते हैं। और ये साइकिल वाली बूढ़ी औरत मैथ्यू की ग्रैंडमा थी, और अब इन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया और उनकी ग्रैंड डॉटर यानी कि क्रिस्टी मारी गई। जी हाँ, क्रिस्टी एक तरीके से इनकी ग्रैंड डॉटर ही थी, क्योंकि जॉनी ने जेनिफर का रेप किया था और उसके ही क्रिस्टी का जन्म हुआ था, यानी वो जॉनी की बेटी थी। ये बूढ़े लोग बाइबल पढ़कर खुशी खुशी चल कर जा रहे थे, पर तभी क्रिस्टी पीछे से आकर मैथ्यू के ग्रैंडमा को एक फावड़े से सबसे पहले जान से मारती है और फिर वो उसके ग्रैंडमा को भी जान से मार देती है। पर वो उस बूढ़े को ना मारकर उससे अपने गाड़ी की चाबी लेती है और जेनिफर की लाश निकालकर उस गाड़ी में रखने बोलती है, और फिर उस बूढ़े को गन वापस देकर गाड़ी में बैठने जाती है। पर ये आदमी बोलता है कि उसके सारे परिवार वाले, बेटा, पत्नी, बहू तो मारे गए हैं, अब वो जिंदा रहकर क्या करेगा। तो ये बूढ़ा आदमी आत्महत्या कर लेता है और क्रिस्टी हिल्स अपने माँ जेनिफर हिल्स को गाड़ी में फूलों से सजा कर ले जाती है। फिर हम लोग जॉनी के सर्विस स्टेशन में जॉनी एंड बेकी के बच्चों को देखते हैं जो शहर से आए हुए थे, और वो अपनी मॉम बेकी को ढूंढ रहे थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनके परिवार वाले अब मर चुके हैं। और तब वो दोनों अपने ग्रैंडफादर की गाड़ी को देखते हैं जिसमें क्रिस्टी बैठी हुई थी, और मूवी यहाँ पर एंड होती है। अब गाइज, इस मूवी में हमें बस यही दिखाने की कोशिश की गई है कि जॉनी, स्टैनली, एंडी एंड मैथ्यू के परिवार के लोग जो हैं वो काफी सिक मेंटेलिटी के लोग थे। उन्हें बस ये दिखा कि जेनिफर ने उनके परिवार वालों को मारा, पर इन लोगों ने उस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया कि जॉनी और बाकियों ने जेनिफर के साथ क्या क्या जुल्म किए थे। और इन लोगों को गुस्सा तब आया जब जेनिफर को कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया और इनोसेंट करार दिया, क्योंकि उसने जो किया था वो अपने रक्षा के लिए किया। और फिर उसके बाद जेनिफर ने एक बुक निकाली जिसका टाइटल था आई स्पिट ऑन योर ग्रेव, और उस बुक में जॉनी, स्टैनली, मैथ्यू एंड एंडी के बारे में बुरा भला लिखा हुआ था, पर वो सब कुछ सच था। और उसे पढ़कर जॉनी और उनके परिवार वालों को लगा कि उन पर कीचड़ उछाला जा रहा है, और इसीलिए इन्होंने जेनिफर की जान ली। पर इस बार भी सिक मेंटेलिटी के चलते केविन ने क्रिस्टी का रेप किया, तो क्रिस्टी ने अपने मॉम की मौत का बदला और अपने साथ हुए रेप का बदला लिया, और वो शहर की तरफ निकल गई, एंड मूवी यहाँ पर एंड हुई। और गाइज, यहाँ पर आई स्पिट ऑन योर ग्रेव की मूवी की पूरी सीरीज यानी कि चारों के चारों मूवीज एंड होती है। तो दोस्तों, ये थी आई स्पिट ऑन योर ग्रेव 4 यानी डेजावू की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, और साथ ही साथ अगर आपको ये मूवी देखनी है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके पर्सनल DM करें, मैं आपको इस मूवी की लिंक दे दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।